इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सज़ा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूँगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, यानी बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। आगे आप क्या मांग है आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है। वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे, अच्छा करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रही थी, अब किनका एनकाउंटर आप देखना चाहती हैं? कौन लोग हैं जिनका और एनकाउंटर होना चाहिए? वो मैं प्रशासन पे छोड़ा है। प्रशासन मुझे न्याय दिला रही है। वो देर में ही चाहिए लेकिन देंगे। प्रशासन ही हमको न्याय दिला रहा है। अच्छा, अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ जिसका इंतजार था आप लोगों का, अब लगता है कि उमेश पाल जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, आत्मा की शांति तो मिल जाएगी ही। ईश्वर जिसने न्याय दिलाया है वो सबसे बड़ा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पिता समान है सारे बच्चों के। उन्होंने न्याय अच्छी तरह से दिया। मैं धन्यवाद ही कह सकती हूँ। हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे लेकिन हमारा चिल्लाना हमारे हाथ में नहीं था। थोड़ा जोर से मारिए। मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री को जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि देंगे। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।